हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल को अभिभावकों द्वारा निजी स्कूल संचालकों ने जो शिक्षा का व्यापारीकरण किया है उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया। इसके माध्यम से अभिभावकों ने कहा, सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूल संचालक सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन स्कूल संचालक शिक्षा को माफिया बना चुके हैं। सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए बताने को तैयार नहीं कि ट्यूशन फीस कितनी है। हम सभी अभिभावकों का आपसे अनुरोध है, जो कि पहले भी कर चुके हैं, कि हमें ट्यूशन फीस बताई जाए, ताकि जो अभिभावक सक्षम नहीं है वह अपनी फीस माफ करवा सके, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और उनके पास जब पैसे होंगे वे फीस जमा करवा देंगे। स्कूल प्रशासन समय समय पर कभी डीसी साहब के पास, कभी एसपी साहब के पास जाकर प्रशासन को गुमराह करता है, भाई हम ट्यूशन फीस ले रहे हैं लेकिन अभिभावक दे नहीं रहे। अभी तक किसी भी स्कूल ने अपनी ट्यूशन फीस क्लियर नहीं की है, भी ट्यूशन फीस कितनी है। हमारा तो यही कहना है भी जो लोग सक्षम हैं, जो फीस दे सकते हैं, वो ट्यूशन फीस देने को तैयार है। एक नोटिस निकाला और उसमें हमने सभी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो CBSE हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के स्कूल हैं, कि वो अपनी ट्यूशन फीस वो बताएं कि वो कितनी ले रहे हैं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहें यस टीवी।